सदस्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिनके लिए इन सभी संस्थाओं का गठन किया गया है। मुझे लगता है कि यह मंथन का दूसरा कार्यक्रम प्रदेश के विकास और सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम वर्क को आगे बढ़ाने की, उस प्रणाली को आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के साथ ही उन्हें प्राप्त करने के लिए कौन से कार्यक्रम हमें आगे बढ़ाने हैं, इसको लेकर कि आज ये सीटिंग होने जा रही है। और तीसरा, इसके बाद तीसरे चरण में फिर यही टीम आईएम लखनऊ के साथ बैठेगी और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या कार्य योजना तैयार की है, उस कार्य योजना को लेकर के हम लोग एक ठोस प्रोग्राम के साथ आगे जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आईएम जैसी संस्थाएं जब शासन प्रशासन के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी तो एक बेहतर परिणाम हम लोग देने में सफल होंगे, क्योंकि इसमें तीनों अलग अलग हैं। एक विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे मंत्रियों का समूह है, जिनके पास अपनी सेवा, अपने सामाजिक और जनता की सेवा का एक अनुभव उनके पास है, अलग अलग क्षेत्र की विशेषज्ञता उनके पास है। दूसरा हमारा प्रशासनिक तंत्र है, एक साफ ब्रेन, जिनके पास अपना एक विजन तो है लेकिन उस विजन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस दृष्टि से आईएम लखनऊ के साथ मिलकर के हम सब एक साथ मिलकर के प्रदेश के विकास के लिए क्या कार्य योजना आगे बढ़ा सकते हैं और उस कार्य योजना को बनाने के साथ ही इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, इन बातों को लेकर के आज हमारी ये सेकंड सीटिंग आईएम लखनऊ के साथ मिलकर के यहां पर होने जा रही है। मुझे विश्वास है कि पहले चरण का कार्यक्रम बहुत सार्थक और सकारात्मक रहा। आज का हमारे साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण भी आज आए हैं, वे लोग भी इसके साथ बैठेंगे और इसके बाद हम तीसरे चरण में 22 सितंबर को फिर से बैठने जा रहे हैं। ये तीन चरणों में उत्तर प्रदेश के विकास की एक ठोस रूपरेखा होगी और जिसमें 23 करोड़ जनता के जीवन में विकास और सुशासन का लाभ देने और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित करने की उस ठोस कार्य योजना को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे।